बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब सर्विस पाकिस्तान चैनल में खुश आमदी। दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी FI में शानदार नौकरियां। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अप्लाई के हवाले से, और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा है कि सर पिक्चर हमारी अपलोड नहीं हो रही है। तो दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम तर डिटेल्स बताऊँगा, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका फुल डिटेल के साथ, कि आप लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, किस तरह आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, 10 दिन से पहले पहले अगर आप लोगों ने अप्लाई कर लिया तो आप इजीली जॉब में अपीयर हो पाएंगे टेस्ट के अंदर। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों बात करें हम अप्लाई के तरीके की, तो उसके लिए सबसे पहले आपने www.jobs24pk.com अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, जिसका जॉब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आके सबसे पहले आपने अपनी डिज़ायर पोस्ट चेक करनी है, और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अप्लाई का तरीका क्या है और किस जॉब के लिए आपने अप्लाई करनी है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिजिबल क्रिटेरिया क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी एज दी गई है। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पहले उसको एक बार वीडियो को देख लो, फिर उस आपके लिए जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको आगे रीड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपने OTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई नाउ का बटन लिखा हुआ है, यहाँ पर जस्ट आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, और आप डायरेक्ट भी ओपन टेस्टिंग सर्विस www.ots.org.pk ओपन टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इन्होंने वाजे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट के नीचे ही आपके यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा फेडरल गवर्नमेंट एजेंसीज FIA। ठीक है दोस्तों, आपने जो ये फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है दोस्तों पाकिस्तान की, इसके अंदर जस्ट आपने अगर अप्लाई करना है तो आपने व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे एक ट्यूटोरियल की वीडियो आ जाएगी, लेकिन अगर आपको इस ट्यूटोरियल के मुताबिक समझ में नहीं आता तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप इजीली घर बैठे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पर इसका सिंपल तरीका है। कांस्टेबल के लिए तो आपने उसकी हाइट वगैरह देनी है, सारा सिस्टम है। और यहाँ पर अगर आपने फर्ज करो, मैं आपको सिंपल से एक अप्लाई का तरीका बताता हूँ, अगर आपने अप्लाई करना है किसी भी जॉब के लिए तो हम यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं LDC के। तो जस्ट आपने व्यू के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करोगे तो पहले यहाँ पे आप लोगों ने देख लेना है कि भाई ये फॉर्म कौन सा है, LDC BPS 9, ठीक है, प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी। उसके बाद आपने जस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम देना है, जिस तरह यहाँ पे मैं अपना नाम दे रहा हूँ राणा, यहाँ पे हम दे देते हैं जॉब सर्विस पाकिस्तान, ठीक होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने आके अपना मोबाइल नंबर देना है 0300 2, यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ, एक मिनट दोस्तों हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पे फिलहाल मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए 0300 2777707, दोस्तों ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें CNIC की, तो आपने यहाँ पे अपना CNIC इंटर करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जिस तरह 4533007007007, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों ने नेम में अपना नाम दे, दोस्तों ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए फॉर्म को फिल कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम देना है, मोबाइल नंबर के नीचे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर देना है, और CNIC के नीचे आपने अपना CNIC देना है, और ईमेल अगर आपके पास कोई है तो आप लोगों ने यहाँ पर वो दे देनी है। यहाँ पर भी आप लोगों को समझाने के लिए दोस्तों ये कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप कोई फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है gmail.com, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना NIC को एंटर किया, नाम लिखा, मोबाइल नंबर दिया, CNIC नंबर लिखा, ईमेल लिखी, और पासवर्ड टाइप, यहाँ पे आप 6 अंकों का पासवर्ड दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो जस्ट ये आपको समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। उसके बाद दोस्तों ये करने के बाद यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों ने अगर यहाँ पे आपकी कोई मिस्टेक होगी तो आपको वो भी वाजे कर देगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सर आपकी कोई मिस्टेक है, तो उसको हम दूर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड देना है, अगर आप पासवर्ड 6 वर्ड्स का दें, 9 वर्ड्स का दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने इसका पासवर्ड जनरेट कर दिया है।
जैसे आप पासवर्ड जनरेट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि सर आपका पासवर्ड मैच नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्लिक क्रिएट बटन। अब यहाँ पे हमारा पासवर्ड मैच हो गया है, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद जस्ट आपने अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट, इसके सामने आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि क्लिक हेयर टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपने दोबारा जो आपने अपना CNIC रजिस्टर किया है आपने वो देना है, और उसके बाद जो हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट किया था यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड देना है। तो उसके बाद जस्ट आपने पासवर्ड देने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। ऊपर पहले हमने रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमने फिर यहाँ पे नीचे अपना पासवर्ड दिया। तो आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से अप्लाई करना है। हमने अपना पासवर्ड दे चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे आएगा लॉगिन। मतलब कि अगर आपने LDC के लिए अप्लाई किया तो आपने जस्ट LDC को क्लिक करके उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपने लॉगिन कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इंटर हो जाएंगे जो हम FIA के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप तीन डॉट्स देख रहे हैं, इन तीन डॉट्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने डेस्कटॉप साइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल होगा वो एज ए PC की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सिंपल तरीका है अप्लाई करने का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम दिया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना फादर नेम दिया, पर यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम दे देते हैं सब्सक्राइब जॉब सर्विस पाकिस्तान। ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद उसका मंथ देना है कौन सा मंथ है आपका, और यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईयर देना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आप किस ईयर में आपकी तारीख पैदाइश है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो देनी है। वो देने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली सिलेक्ट सेलेक्टेड होकर कुछ चीज़ें आ जाएंगी, और कुछ आपने सेलेक्ट करनी है। मैरिड है, सिंगल है, वो अपने आप पर सिलेक्ट करना है। जनरल मेल फीमेल, फिर मैरिड है, शादीशुदा है, वो अपने आप पर सिलेक्ट करना है। आपने अपना रिलीजन को सिलेक्ट करना है, फिर आपने अपनी कंट्री देनी है पाकिस्तान, यहाँ पर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। ये सिंपल तरीका है दोस्तों। इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद करूँगा इस वीडियो में आपकी कंप्लीट रहनुमाई के साथ और हम इजीली इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल भी किसी ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों सिंपल तरीका है, जेंडर में मेल फीमेल आ गया। उसके बाद मर्टेलिटी सिंगल है शादीशुदा है वो अपने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, मुस्लिम कंट्री सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना एड्रेस दे दिया, यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हैं जिस तरह अगर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एड्रेस का तरीका बताऊँ दोस्तों, आपने एड्रेस वो देना है जो आपका करंटली एड्रेस हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ दोस्तों ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपने अपना एड्रेस देना है इस तरह का। दोस्तों सारा का सारा जो दारोमदार होता है दोस्तों आपकी अपॉइंटमेंट का, आपके लेटर का, वो होता है आपके एड्रेस पे। तो लिहाजा आपने अपना वो एड्रेस देना है जो आपको कंफर्म हो। उसके बाद सिटी टाउन जो आपका सिटी हो आपने वो देना है। हम यहाँ पे कराची सेलेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी हमारी ही कराची है, CK सेंट्रल कराची है जो आपका है, आपने वो देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका CNIC आ जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल प्रोवेंस, तो डोमिसाइल प्रोवेंस अगर आपका सिंध का है तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं सिंध और कराची वाले अपना अर्बन करेंगे, और रूरल वालों का तो वो यू करेंगे। उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो आपकी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आपने यहाँ पे वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या है, अगर आप माजूर हैं तो अल्लाह ना करे कोई माजूर हो, तो अगर कोई माजूर बंदा अप्लाई करा तो उसने यहाँ पे इस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप माजूर नहीं हैं और आपने यहाँ पर इसको नोट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ रहा कि गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं तो आपने थ्रू प्रो अपर चैनल अप्लाई करना है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पर आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद गेस्ट एंड आर्मी फोर्सेज, अगर आपको कोई रिश्तेदार मतलब कि अगर ब्रादर कज़न या आपके फादर कोई आर्मी फोर्सेज में है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो दोबारा दोस्तों यहाँ पे आके आप लोगों ने इसको एक बार रीड कर लेना है। यहाँ पे आपने अपना नाम दिया, फादर नाम दिया, डेट ऑफ बर्थ दी, जेंडर मेल फीमेल वो सिलेक्ट किया, मेटल स्टेटस मुस्लिम पाकिस्तान, यहाँ पर रिलीजन आप लोग देख सकते हैं, कंट्री आपने देख लिया, अपना एड्रेस आपने देख लिया, सिटी टाउन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सारी तफसीलात उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेव एंड कंटिन्यू। दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म होगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे आके आपने अगर कोई गलती होगी तो वो आपको मिस्टेक बता देगा, लेकिन अगर कोई मिस्टेक ना होगी तो ईजिली आपने दोबारा आके
सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों से आपकी पिक्चर रिक्वायर करेगा, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पिक्चर देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि सर हम इसको क्या करें, इसका साइज़ आप लोग देख सकते हैं कम से कम 100 KB का साइज़ हो और पोर्ट्रेट हो, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं JPG या JPEG फॉर्मेट में लाजमी पिक्चर होनी चाहिए। और इसका जो राइट तरीका है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो इसका राइट तरीका है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है। तो ऐसी कोई भी पिक्चर आपकी ना हो, सिंपल आपकी पिक्चर हो, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। भी यहाँ पे अपने पिक्चर किस तरह अपलोड करनी है तो इंशाल्लाह दोस्तों वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। जस्ट आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे आप चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके मोबाइल के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे या आपकी फ़ाइल आ जाएगी। तो जस्ट आपने अपने फाइल के ऊपर जाना है और वहाँ के आपने क्लिक, हाँ तो दोस्तों आप जब फाइल क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी कोई पिक्चर आ जाएगी। जस्ट ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने कोई भी अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। लेकिन दोस्तों पिक्चर का साइज़ आप यूट्यूब पे गूगल पे चेक कर सकते हैं, हाउ टू रीसाइज आवर पासपोर्ट फोटोग्राफ पिक्स। आप अपनी पिक्चर को भी रीसाइज कर सकते हैं सिंपल तरीके से। आप यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। उसके बाद जस्ट दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपलोड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर इजीली अपलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी पिक्चर अपलोड नहीं होती तो आप उसको रिसाइज कर लें, सिंपल तरीके से उसको रिसाइज कर सकते हैं। आप इजीली अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी बंदे ने परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह ये वाजिद भाई आपकी फुल हेल्प करेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये तमाम तर डिटेल्स आपके आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर हमने सिर्फ LDC के लिए अप्लाई करना है तो LDC के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक मांगी है, तो यहाँ पे ही सिर्फ हम मैट्रिक इंटर करेंगे। लेकिन अगर आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट के लिए, तो उसके लिए आपने यहाँ पे दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। आप जितनी क्वालिफिकेशन ऐड करते जाएंगे आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होती जाएगी। अब यहाँ पर सिंपल तरीका है, हम सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक ऐड करेंगे। यहाँ पर आपकी लिखी हुई आ गई क्वालिफिकेशन, तो उसके बाद आपने क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, दोस्तों इसको मैट्रिक कहा जाता है सेकेंडरी सर्टिफिकेट को, तो यहाँ पर आपने आके अपने जो आपकी डिग्री है आपने वो सिलेक्ट की, अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की, मेजर सब्जेक्ट जो आपके हों। यहाँ पे हमारे जो इंग्लिश मैथ थे तो आप यहाँ के आके अपने सिलेक्ट कर सकते हो। पासिंग ईयर जो आपका हो आपने यहाँ पे अपना पासिंग ईयर देना है। उसके बाद दोस्तों टोटल परसेंटेज, यहाँ पे सबसे पहले आगे टोटल मार्क्स, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 850 और जो ऑबिटेंट मार्क्स थे वो थे हमारे 640। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जितनी परसेंटेज हो आप वो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी 60% कर देते हैं जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपका बोर्ड हो यहाँ पे आपने वो देना है। यहाँ पे हमने अपना स्कूल का नाम कराची दे दिया, लेकिन आपका जो बोर्ड इंस्टीट्यूट आपने वो देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आ रहा है आपका एकेडमिक सेशन कौन सा था। फर्ज करो यहाँ पे हमारा अकेडमिक सेशन था 2011 से लेकर, ठीक है दोस्तों, 2011 से लेकर 2013 तक। अब काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि वाजिद भाई हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है इसको ऐड करने का। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि आपने सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन अपनी ऐड की, अपनी मैट्रिक की डिग्री ऐड की। अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन पर ऐड करके अप्लाई करना चाहते हो तो तब भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सिंपल तरीका है, अगर आप लोगों ने इसके अंदर अप्लाई करना है तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और आप ईजिली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको इस वीडियो के अंदर अप्लाई करने का तरीका लाइव मेथड के साथ समझाया है, लाइव प्रूफ के साथ। उसके बाद यहाँ पे आपने जस्ट ऐड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी और आपको ऊपर भी नज़र आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर आप दोबारा कोई और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हो तो आपको दोबारा इसी तरीके से क्वालिफिकेशन ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैंने सिर्फ LDC के लिए अप्लाई करना और मेरी मैट्रिक ऐड हो चुकी है, उसके बाद आपने इस राइट ऑप्शन के ऊपर जो लिखा हुआ है एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माय कंप्लीट एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि ऑलरेडी एम्प्लॉयड। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, तो आप इसको नो करके आपने दोबारा इसको ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप नो करके इसको ऐड करेंगे उसके बाद दोबारा यहाँ पे नीचे सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको दोबारा आपने यहाँ पे नो ही करना है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी नो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपने दोबारा इसको एक्नॉलेज दैट आई एडेड माई कम्प्लीट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स, आप अगर अपना एक्सपीरियंस भी देना चाहते हो तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने जस्ट दोबारा सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है।
जैसे ही दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, टेस्ट सेंटर। आप किस टेस्ट सेंटर पे टेस्ट देना चाहते हो, तो यहाँ पे आके अपने अपना वो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है दोस्तों। आपका टेस्ट सेंटर वो होगा जहाँ पे आप अपनी टेस्ट को देंगे। अगर फ़र्ज़ करो कोई बंदा अभी कराची में है, लेकिन उसने अप्लाई उसने 2 से 4 दिन के बाद इस्लामाबाद जाना है, तो वो यहाँ पे अपना टेस्ट सेंटर इस्लामाबाद करेगा, क्योंकि वो इस्लामाबाद का बंदा है। लेकिन अगर कोई कराची का है तो वो अपना टेस्ट सेंटर कराची करेगा। तो लिहाजा कोई परेशान होने की बात नहीं है, सिंपल और बिल्कुल इजी तरीका है, और मैंने आप लोगों के सामने दोस्तों लाइव अप्लाई किया। उसके बाद जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट सेंटर आपका आ गया। थोड़ा सा दोस्तों नेट का इशू है, बाकी अप्लाई का सिंपल तरीका है, जस्ट आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपके सामने यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, प्लीज़ रिव्यू योर डेटा बिफोर सबमिटिंग योर फॉर्म, वंस यू सबमिट योर फॉर्म इट्स कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर कोई आपको ऐसी मिस्टेक लगे तो आपने एक बार आके यहाँ पे अपनी मिस्टेक्स को चेक कर लेना है, अगर कोई ऐसी गलती वगैरह आपसे ना हो। उसके बाद दोस्तों ये हमने जोकर की पिक्चर अपलोड कर दी जस्ट आपको समझाने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे अपनी कोई भी पिक्चर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है अप्लाई करने का। उसके बाद जस्ट आपने सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही दोस्तों आप सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, तो उसके बाद आप इसको एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और आपका इजीली FIE के अंदर अप्लाई हो चुका है। अगर आपने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपने इसी तरीके कार से FIE के अंदर अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि डाउनलोड माई एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जैसे ही आप डाउनलोड माई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। ये मैंने लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने अप्लाई किया है, और सिंपल तरीके से अप्लाई किया है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए अप्लाई किया था। नाम आ गया, आपका CNIC नंबर आ गया, आपका एड्रेस, सिटी नाम आ गया, डोमिसाइल आ गया, और यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड्स आपके आ गए, और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन भी ऐड हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपनी सिग्नेचर देनी है, और यहाँ पे आपने अपना थंब इंप्रेशन देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक आपका चालान फॉर्म है, जिसके लिए जिसकी जो फीस रखी गई वो रखी गई 165 रुपये। अगर दोस्तों आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने ये चालान को बैंक में पेंट करना है। बैंक में पेंट करने के बाद आपने इस फार्म को और अपने इस फार्म को चालान फार्म को और इसको भेज देना है OTS के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजर ऑपरेशन FGA Office 1 सेंट्रल एवेन्यू भेरिया टाउन फेज V1 इस्लामाबाद। ये आप लोग देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर उन्होंने दिया है, तो आप इजीली इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट समझाया है कि आप लोग किस तरह इजीली अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन रोज़गार दे। और अगर आप दोस्तों MCQs की तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल आप परेशान हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमने तैयारी किस बुक से करनी है, हमने किस स्टडी को करना, दोस्तों FIE का सिलेबस ही होता है जिसके अंदर इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडी, जनरल और कंप्यूटर टॉप क्लास के MCQs होते हैं, जो OTS के हर टेस्टों में आते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग 700 MCQs फार्मूला बुक से इसकी तैयारी करो, ताकि आपकी इजीली तैयारी हो जाएगी। और दोस्तों इसकी प्राइस जो है बुक की, वो है 700 रुपये। 700 रुपये के अंदर ये आपको कैश ऑन डिलीवरी बुक मिल जाएगी। इसको बुक को बाय करने का सिंपल तरीका है, जस्ट आपने 0300-277-7707 इस नंबर पर कॉल करनी है और अपना ऑर्डर बुक करवाना है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दुआओं में याद, अल्लाह हाफिज़।